और कहीं जाते हैं तो बीच को साफ करने की जगह जैसे हम खुद है ना, हम बीच को भी वैसा ही कर देते हैं गंदा। लग रहा हम लोगों का फोरम भाई क्या कहेंगे इस टूर में आप? देख रहे हैं प्रिंसेस ऑफ होप, आपको अगर नजर आ रहे हो वो देखें जी। अभी हम यहाँ जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये हम लोग अपना ट्रैवल कर रहे हैं कराची टू गवादर। तो इस वीडियो के अंदर आप लोगों को पूरी ट्रैवलिंग दिखाई जाएगी। बेसिकली हम लोग तो जा रहे हैं गवादर, जो स्टेडियम बना है गवादर क्रिकेट स्टेडियम, उसको कवर करने के लिए। बीच में उरमाड़ा बीच आएगा, कुंडबलीर आएगा, मट वॉल्कन आएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, तो उसके अलग अलग ब्लॉग्स बनेंगे सबके। लेकिन राइट नाउ अभी हम लोग हैं विंदर पे, और विंदर से हम लोग अभी जीरो पॉइंट जाएंगे, जीरो पॉइंट से लेफ्ट लेंगे जो सीधा गवादर जाएंगे। तो ये जर्नी अपनी स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। तो दोस्तों हम लोग गवादर के सफ़र पे हैं, और पीछे जैसे आप देखते हैं गाड़ी, देख सकते हैं गाड़ी को जैक लग चुका है। गाड़ी के मेरे पास एयर पंप भी है, जो अगर गाड़ी का छोटा कोई पंचर हो तो हवा शवा भर के आप पंप तक जा सकते हैं। लेकिन अभी रास्ते में ही कोई बड़ा कोई कील हमारे टायर में लग गया और टायर हो गया पंचर। अब हम जो व्हील पाना था वो भी जो साथ लिया था हम लोगों ने प्लाजा से, वो इसमें लग नहीं रहा। तो अब हम लोग जो है रोड पर हो गए खड़े। जब इंसान ऐसे फंस जाता है किसी सिचुएशन में तो उस टाइम पे तो उसको मुश्किल लग रही होती है, लेकिन बाद में हम इसी चीज़ों को देख के फिर एंजॉय करते हैं। तो हमने कहा इस वाले भी मामले को दिखा दिया जाए आप लोगों को कि हम लोग अभी रोड पे खड़े हो गए हैं, और आगे अभी जो मोटरवे पुलिस है वो आए, उन्होंने काफ़ी हमारे साथ हेल्प की, कोऑपरेट किया, और अभी हमारे एक दोस्त को लेकर गए हैं अगले पम्प पर कि वहाँ से जी हमें कोई इसका व्हील पाना मिल जाए और ये खुल जाए टायर, या तो फिर वो कोई हमें कोई पंचर का कोई चीज़ दे दे तो हम इसका पंचर लगवा लें। तो जब भी आप लोग इतने लंबे सफ़र पे आए ना, अपने टायर वायर ज़रूर चेक कर लें, और प्लस आप लोग अपने साथ एक पंचर किट आती है, जो अगर आप खुदा ना खास्ता कोई ट्यूबलेस टायर में कोई माइनर पंचर हो जाता है तो पंचर आपका लग जाए, क्योंकि अभी कील लगा है। अगर मेरा पंचर किट होती तो मैं उसको लगा सकता था, जैसे ऊपर से आप लगा लेते ना तो वो भी लग सकता था। फिर एयर पंप अपने साथ रखें, टचिंग वायर रखें, ये सब चीज़ें अपने सफ़र में आप लाजमी साथ रखें, तो इंशाल्लाह अभी पंचर लगता है तो आपको आगे का सफ़र फिर इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू। पंचर लग रहा है हम लोगों का। पूरम भाई क्या कहेंगे इस टूर में आप? एडवेंचर हो रहा है, मज़ा आ रहा है। राव भाई शुरू है जी। राव भाई क्या कहेंगे? बस ये कहेंगे कि हर चीज़ होनी चाहिए आपके पास, और हर चीज़ होने के बावजूद भी कुछ हो जाए फिर क्या करेंगे? फिर अल्लाह पे भी कुछ छोड़ना पड़ता है ना? नहीं, सब कुछ उसी पे छोड़ना पड़ता। चले चले भाई, पंचर लग गया, फिर हम जा रहे हैं। ये भाई हमारा पंचर लगाया, ये क्या नाम है, नाम बताओ अपना। अनवर उस्ताद। ये हम लोग पहुंच गए जी, 0 पॉइंट पंचर हमने लगवा लिया, और शुक्र है कि हमें पंचर वाला बंदा मिल गया, और आपको हम दिखा रहे हैं। ये देखें जी, ये है 0 पॉइंट। यहाँ से आप स्ट्रेट जाएंगे तो क्वेटा, और यहाँ से आप लेफ्ट जाएंगे तो गवादर, कुंडमलीर, उरमाड़ा बीच। ये है 0 पॉइंट, 0 पॉइंट की निशानी है ये। हम यहाँ से चलना है, आ जाओ चलो, मसला नहीं है।
तो दोस्तों हम लोग अभी पहुंच चुके हैं तकरीबन 230-240 किलोमीटर का सफ़र करके कुंड मलिर, और पंचर हमने आपको जो है पता है पीछे लगवा लिया। एक चीज़ आप लोगों को मैंने स्टार्टिंग में बतानी भूल गया था, वो ये कि पेट्रोल जो है वो विंदर के पास से डलवा लें। विंदर हब के बाद आता है, तो यहाँ विंदर के बाद और गवादर तक बीच में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। अगर आप गवादर जा रहे हैं या कुंड मलिर आ रहे हैं, क्योंकि कुंड मलिर आप आएंगे, कुंड मलिर से वापस भी जाएंगे, तो टैंक अपना पेट्रोल का, सीएनजी का, दोनों का फुल करा कराएं। तो ये पीछे देखें आप हमारे, ये गवादर अभी हम लोग पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह असर तक। ये अभी कुंड मलिर पे हैं, यहाँ पर उन्होंने ये एक पॉइंट बना दिया है लोगों के, पब्लिक के बैठने के लिए। और राव भाई हमारे साथ हैं आज। राव भाई बताएं कैसा लगा आपको यहाँ तक का रास्ता? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, बेहतरीन। क्यों? बस जब भी आते हैं यहाँ मज़ा आता है। मज़ा आता है? मज़ा आता है। पानी नहाएंगे तो नहीं पानी में? साथ ही साथ दें तो नहा भी लेंगे। नहीं मैं नहीं नहाऊंगा। और बाकी हमारे साथ जो है जी खुर्रम भाई भी हैं, जो हमारे साथ हेलो कैसे हैं जी खुर्रम भाई, कैसा लगा फिर आपको? जी बहुत ज़बरदस्त, और ये सरप्राइज़ है वाकई, क्योंकि 2 साल पहले जब हम यहाँ आए थे तो उस वक्त तो ये कुछ भी नहीं था, ये कोई स्पॉट जो बना हुआ है इस वक्त। अब बहुत खूबसूरत हो गया है। बहुत खूबसूरत हो गया, और अच्छी बात ये कि यहाँ पे सिग्नल्स भी अब आ रहे हैं, यू फोन के सिग्नल आते हैं। बस यहाँ रास्ते में ये भी एक बात है, और ये जो स्पॉट बने हैं, क्योंकि आपने तो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग काफ़ी की है, तो उसमें क्या एडवाइस करेंगे, कैसा आपको लग रहा है, कंपेरिजन है बाहर के बीचेस से? ये ज़ाहिर डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है, तो यकीनी तौर पर यहाँ पर जो है वो मतलब हो जाएगा इंशाल्लाह उस तरह का। बाकी ये कि वो ज़रूरी है कि अब क्योंकि पब्लिक यहाँ आना शुरू हो गई है, तो कचरे वचरा जो है वो फैलाने से गुरेज करें, बस गुरेज करें। अच्छा, सफाई का ख्याल रखें, बिल्कुल सफाई का ख्याल रखें, सफाई का बेहद ख्याल रखें, बेहद ख्याल रखें। अच्छा कुंड मलिर में हम लोग आ गए, ये कुंड मलिर आप जैसे पढ़ सकते हैं कुंड मलिर व्यू पॉइंट। अच्छा कुंड मलिर व्यू पॉइंट है, इसके आगे हम जाएंगे एक और पॉइंट आएगा जो सिर्फ व्यू पॉइंट के नाम से है। व्यू पॉइंट हम जाएंगे, फिर ओरमाड़ा बीच है, ओरमाड़ा बीच के पहले हम लोगों को प्रिंस ऑफ होप है, फिर उसके बाद हम सीधा गवादर के लिए जाएंगे। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक पॉइंट बन गया है कुंड मलिर के ऊपर, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो कराची से आते हैं वो कुंड मलिर तक ही आते हैं और फिर यहीं से वापस चले जाते हैं। हम लोग अपना आगे का ट्रैवल शुरू करें, लेकिन बार बार बोल रहे हो यहाँ तक आए, एक यू फोन की सिम साथ ज़रूर रखें, सही है 2021 में, और एक आप लोग पेट्रोल फुल करा के लाएँ, और हो सके तो गैलन भी पेट्रोल के ना 20-20 लीटर के दो भरवा के ले आएँ, नहीं यूज़ होगा तो वापस ले जाइएगा। 10 ले आए, खुर्रम भाई कह रहे हैं 10 ले आए, 10 कम कर दें हम, सही है। ये देखें जी, ये है व्यू पॉइंट, ये अपनी शहजादी यहाँ खड़ी हो गई है, आपको हम दिखाते हैं व्यू पॉइंट, और यहाँ पर हम आपको ड्रोन भी उड़ा के दिखाते हैं। ये देखें जी, ये है जी व्यू पॉइंट, कुंड मलिर वहाँ है पीछे, हम आगे आ गए ओरमाड़ा की तरफ जा रहे हैं हम लोग। लेकिन ये पहाड़ देखें आप लोग, यहाँ खूबसूरत है, ऐसा ही लगता है इनको देख के कहीं कभी ये समुंदर का हिस्सा होंगे, मुझे तो ऐसे ही लगता है। चलो खैर लंबी हो रही है, अभी ड्रोन उड़ा के दिखाते हैं फिर। पिघले नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, ना कहीं है जमीन ना कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां पत्तियां कह रही हैं कि बस तुम हो यहां, ऐसी गहराइयां ऐसी तन्हाइयां, और मैं और सिर्फ मैं, अपने होने पे मुझको यकीन आ गया।
भाई हम लोग इस टाइम पे हैं व्यू पॉइंट पे। पहले जो आपको दिखाया था वो था कुंड मलीर का व्यू पॉइंट, अब ये सिर्फ व्यू पॉइंट है। इसके बाद हम जाएंगे आगे उरमाड़ा बीच, उरमाड़ा बीच से अब यहाँ से हम जाएंगे प्रिंसेस ऑफ होप, और प्रिंसेस ऑफ होप के बाद जो नेक्स्ट स्टॉप है वो उरमाड़ा का है, फिर सीधा गवादर। तो फिर आओ मेरे नाम का। ये आगे प्रिंसेस ऑफ होप है, और ये आप जो देख रहे हैं ना ये अलन फकीर है। तो हमने कहा हम भी कोई नाम दे देते हैं ना, ये देखें जी प्रिंसेस ऑफ होप से पहले आएगा अलन फकीर, ये अलन फकीर ये ज़रूर देखिएगा। अब ये रोड सीधा गवादर वापस कराची, अलन फकीर बाय बाय जी। प्रिंसेस ऑफ होप पे पहुंच चुके हैं हम लोग, वो पीछे आप देख रहे हैं प्रिंसेस ऑफ होप आपको अगर नज़र आ रहे हो वो देखें जी। अभी हम यहाँ से ड्रोन शॉट भी आपको लेके दिखाते हैं। जब जब दर्द का बादल छाया, गम का साया लहराया, जब आंसू पलकों तक आया, जब यह तन्हा दिल घबराया, हमने दिल को ये समझाया, दिल आखिर तू क्यों रोता है, दुनिया में यूं ही होता है। ये जो गहरे सन्नाटे हैं वक्त ने सबको ही बांटे हैं, थोड़ा गम है सबका किस्सा, थोड़ी धूप है सबका हिस्सा, आंख तेरी बेकार ही नम है, हर पल एक नया मौसम है। क्यों तो ऐसे पल खोता है, दिल आखिर तू क्यों रोता है।
जी हम लोग अभी जा रहे हैं बोजी टॉप की तरफ। ये एक हाइट है जब आप आते हैं ना कुंड मलीर से प्रिंसेस ऑफ होप की तरफ, और जब उड़माड़ा की तरफ आप जा रहे होते हैं तो ये बोजी टॉप की तरफ आप जाते हैं। आप ये ब्यूटी देखें माशाल्लाह, क्या खूबसूरती है। ओह ये डेंजर डेलिकेट। कराची से आके तुम कोल्ड ड्रिंक फेंक कर गए हो यहाँ पर, कैसे बंदे हो यार तुम। क्या कहेंगे आप इस बारे में ये लोगों का कचरा देख के? सर कुछ बोले? तरबियत की कमी है। तरबियत की कमी है। तो कुछ लोग ऐसे इन जगहों को देख के ये बोलते हैं कि यार ये तो बंजर है, ये कोई जगह है? आप क्या क्या समझते हैं, ये खूबसूरती वाकई इंसान की आंख में होती है? बिल्कुल होती इंसान की आंख में, उसके विजन में भी होती है। विजन में भी होती है। तो हमारे कौम के तो नहीं है मेरे ख्याल में, कौम को बस ऐसी जगह पहुंचे नहीं है। कौम पहुंचेगी तो उनको भी समझ आ जाएगी। अच्छा वैसे कौम से मतलब सब मत समझ लेना भाई, सबको कुछ नहीं कह रहा, फिर पीछे पड़ जाते हैं। हम लोग अभी बोजी टॉप पर हैं जो कि कुंड मलीर के बाद आप प्रिंसेस ऑफ होप के बाद जो है ये आप देखें ब्यूटी देखें। और ये अभी हम लोग जा रहे हैं उड़माड़ा, तकरीबन यहाँ से 60-70 किलोमीटर देखें आप। मतलब हर कुछ लोगों को सिर्फ ग्रीनरी ही ब्यूटी लगती है, और हमें तो भाई ऐसी यूनिक जगहें देख के हम लोगों को तो बहुत पसंद है। मुझे खुरम भाई को, राव भाई को, भाजन आप भी आते तो आपको अच्छा लगता है, जगह अच्छी है। वैसे ये हमारे भाई हैं आमिर भाई, उनके लिए मैसेज है वैसे ये। तो फिर आओ मेरे नाल। दोस्तों हम लोग उड़माड़ा बीच पे आ गए, जैसे आप लोग देख रहे हैं वो पीछे, जैसे आप लोगों ने अक्सर वीडियोस में देखा होगा वो उड़माड़ा बीच है। उड़माड़ा बीच का मैं अलग से एक ब्लॉग बनाऊंगा और ड्रोन फुटेज, यहाँ पे ये लोग ड्रोन उड़ाने देते हैं या नहीं देते ये हम लोग पहले पूछेंगे यहाँ पे, कि अगर ड्रोन उड़ाने का मौका यहाँ मिल जाता है तो ड्रोन भी उड़ाते हैं। लेकिन ये माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत बीच है और बहुत ही मतलब ज़बरदस्त है। मैंने और भी कुछ व्लॉगर्स की वीडियो देखी थी और वो कहते थे कि यार ये जो उड़माड़ा बीच है ये वन ऑफ़ द बेस्ट बीच है पाकिस्तान का, तो ये बात गलत नहीं है, बात दुरुस्त है भाई। तो यहाँ तक आप लोग आ सकते हैं, मैंने देखा है बहुत सारी फैमिलीज़ भी आई हुई हैं और फैमिलीज़ भी यहाँ पे आके विज़िट कर रही हैं। तो आप लोग भी अगर आना चाहें तो उड़माड़ा बीच आएँ और अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। और गवादर पहुँचना है, स्टेडियम को भी कवर करना है, गवादर भी दिखाना है, फिर निकलते हैं। उड़माड़ा का तकरीबन अभी 5 किलोमीटर अभी नज़दीक ही है। 5 किलोमीटर के बाद है उड़माड़ा। अच्छा यहाँ से हम सीधा सीधा जाएंगे तो फिर आगे उड़माड़ा बीच आ जाएगा। हाँ उड़माड़ा भी बीच आएगा, इधर समंदर का भी रास्ता तुम्हारे को पड़ेगा। कहाँ है, कितनी दूर दूर से लोग आते हैं? ये तकरीबन ग्वादर भी आते हैं, जीवनी, कराची, बहुत लोग आते हैं, पंजाब से भी आते हैं। पंजाब से भी आते हैं। अच्छा तो ये ग्वादर का समंदर ज़्यादा खूबसूरत है या ये उड़माड़ा का बहुत सबसे खूबसूरत है? अच्छा तो यहाँ पे मछली वछली पकड़ सकते हैं? हाँ भाई इधर कश्तियाँ बहुत है, इधर मछलियाँ पकड़ते हैं। Thank you.
हम लोग गवादर पहुंच गए और पीछे पसनी आया था, वहाँ से रास्ता ज़रा गलत ले लिया था हम लोगों ने, और अभी राइट नाउ ये देखिए पीछे गवादर सिटी में हम लोग, और ये अभी हम जा रहे हैं स्टेडियम को कवर करने। तो कराची टू गवादर का जो ब्लॉग था वो यहीं पे एंड हो जाएगा, और मैं आपको बाकी जो ब्लॉग है स्टेडियम का और बाकी सारे वो साथ साथ अपलोड करता जाऊँगा इंशाल्लाह। फिर अल्लाह हाफिज़। दिलों में तुम अपनी बेताबियाँ लेके चल रहे हो तो ज़िंदा हो तुम, नज़र में ख्वाबों की बिजलियाँ लेके चल रहे हो तो ज़िंदा हो तुम, हवा के झोंकों की तरह आज़ाद रहना सीखो, तुम एक लहरों के जैसे दरिया में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल नया समा देखें ये निगाहें, जो अपनी आँखों में हैरानियाँ लेके चल रहे हो तो ज़िंदा हो तुम।